भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस पारंपरिक रूप से अभिनय के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हिंदू परंपरा और विचारों का मंचन होता है। क्या आपको पता है, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की बुनियाद माना गया है, जिसमें रस ज्ञान, भाव, अभिव्यक्ति, मुद्राएं, अभिनय और खड़े होने के आसन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए तो बात करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता दी गई है। भरतनाट्यम सबसे लोकप्रिय और पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य और उसके आसपास के मंदिरों में नर्तकों की कला से हुई, जिसे पहले साधिर अट्टम या दासी अट्टम नाम से जाना जाता था। इसके प्रदर्शन में हिंदू धार्मिक परंपरा जैसे वैष्णव, शैव, शक्ति आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। भरतनाट्यम में कार्नाटिक संगीत का चलन है, जिसके वाद्य यंत्र हैं मृदंगम, वीणा, बांसुरी, वायलिन और तालम। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय हुई, जब कथा कहने वाले कथक या कथाकार नृत्य के माध्यम से पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करते थे। कथक में राधा कृष्ण की कहानी प्रमुख होती है और यह नियमबद्ध नृत्य शैली है, जिसमें पूरा ध्यान लय पर दिया जाता है। उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और बनारस, जयपुर और लखनऊ इसके तीन प्रमुख घराने हैं। इसके वाद्य यंत्र में तबला, पखवाज और सारंगी होते हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम केरला राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली प्रशिक्षित कलाकार द्वारा मलयालम में प्रस्तुत अभिनय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में हुई। इसमें हस्त मुद्रा और चेहरे के भाव के द्वारा लोक कथाएं और धार्मिक और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन होता है। इसमें पात्र का व्यक्तित्व दर्शाने के लिए विशेष वेशभूषा, परिधान और श्रृंगार का प्रयोग करते हैं। मड्डलम, चेंडा और मंजरे इसके वाद्य यंत्र हैं। वहीं मोहिनीअट्टम महिला नर्तकी द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य होता है, जिसमें नाट्य शास्त्र में बताई लास्य शैली होती है और भाव और मुद्राएं बहुत कोमल और हल्की रहती हैं। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और सागर मंथन की कथा का मंचन होता है। मंडलम, इडक्का, पुलित तैलम इसके वाद्य यंत्र हैं। कुचिपुड़ी नाम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से आया है और 17वीं सदी में योगी सिद्धेंद्र ने इसको विकसित करने में योगदान दिया। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और नृत्य, नाट्य और संगीत के माध्यम से कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। इसका संबंध वैष्णव परंपरा से है और ये तमिलनाडु के भागवत मेले से मिलता जुलता है। कुचिपुड़ी में कार्नाटिक संगीत और उसके वाद्यंत्र का उपयोग होता है और भाषा का प्रयोग इसे बाकी शास्त्रीय नृत्यों से अलग बनाता है। उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य उड़ीसी बहुत प्राचीन माना जाता है, जिसे पहले मंदिरों में महारीस यानी महिला सेवक प्रस्तुत करती थी। इसमें भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप की कथाओं और मिथकों को अपनाया गया है। वैष्णव मत के अलावा इसमें भगवान शिव और सूर्य की कहानी को दर्शाया जाता है। इसकी नृत्य नाट्य शैली है और नृत्य प्रस्तुति में त्रिभंग और चौक जैसे आसन के लिए ये जाना जाता है। पखवाज, तबला, बांसुरी, सितार और मंजीरे इसके वाद्य यंत्र हैं। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य की लोक परंपराओं और रीति रिवाज से जुड़ा नृत्य है। इसमें वैष्णव प्रसंग और राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रदर्शन पूरा नृत्य दल मिलके करता है, जिसमें सबने एक विशेष पोशाक कुमिल पहना होता है। इसमें हाथ और शरीर की धीमी चाल, चेहरे पर शांत भाव और नाजुक मुद्राएं रहती हैं और इसके वाद्यंत्र पुंग, बांसुरी और मजीरे होते हैं।
सत्रिया नृत्य को भक्ति आंदोलन के वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं सदी में आसाम के वैष्णव मठ में विकसित किया। यह भगवान कृष्ण की लीलाएं और अन्य पौराणिक कहानियों पर आधारित है और इसमें जाप, कथा, नृत्य और संवाद का समन्वय होता है। खोल, बांसुरी और मजीरे इसके वाद्य यंत्र हैं। इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के अलावा थांगटा, गौड़िया और छाऊ नृत्य को भी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य और संगीत की सूची में रखा हुआ है। दोस्तों, नृत्य और संगीत में समृद्ध हमारी संस्कृति के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं।